तो इतना सारा चीज़ बनाने के बाद क्या उसको सिर्फ अपने यूज के लिए रखते थे, या वो उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई सिस्टम था? अभी देखते हैं। कॉन्टेक्ट विथ डिस्टेंट लैंड, और उसमें हम पढ़ेंगे ट्रेड रिलेशन विद द वर्ल्ड, कि क्या सिर्फ हरप्पन अपने आप में सीमित थे, या उनका रिलेशन जो रिलेशन है वो दूसरे जो उस समय के जो सिविलाइज्ड प्लेसेस थे उनके साथ उनका संबंध था, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। आर्कियोलॉजिकल फाइंड सजेस्ट दैट द हरप्पन्स मेंटेन्ड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। देखो तो जो एविडेंसेस मिले हैं उसे पता चलता है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होते, जैसे क्या क्या मिले हैं देखो। अब लोथल से बोट मिला है, उसे क्या पता चलता है कि उनको बोट के बारे में इंफॉर्मेशन था, और बोट कहाँ चलेगा? समुद्र में चलेगा, जमीन में तो चलेगा नहीं, यानी कि उनका समुद्र में जाने आने का उनको पता था। नंबर टू, ब्लॉक कोट्स मिले हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनका लैंड जो रूट है उसकी भी जानकारी थी, ब्लॉक कार्ड से लोग ट्रेड करते होंगे। द मेन सोर्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टेक्ट इंक्लूड्स सील्स, वेट्स, डाइस एंड बिट्स, जो क्लियर एविडेंस जिसके थ्रू हम लोग पता चलता है कि ट्रेड रिलेशन हम के साथ हमारा जो था वो वर्ल्ड के साथ था, उस चार चीज़ों से पता चलेगा। क्या क्या चीज़ें हैं ये? सील्स, वेट्स, डाइस एंड बिट्स, याद रखना है। प्रोबली हरप्पन्स हैड ट्रेड कॉन्टेक्ट विथ ओमान पेनिनसुला। कौन सा पेनिनसुला? ओमान पेनिनसुला। अभी चलते हैं हम लोग, मैप दिखाते हैं आपको ओमान पेनिनसुला। तो देखो अरेबियन सी के ईस्टर्न साइड में इंडिया है, और वेस्टर्न साइड में ओमान पेनिनसुला है, जिसको देखो दिख रहा है ना, और उसके पास में गल्फ ऑफ ओमान है। केमिकल एनालिसिस हैव शोन दैट बोथ द ओमानी कॉपर एंड हरप्पन आर्टिफैक्ट्स हैव ट्रेसेस ऑफ निकेल व्हिच सजेस्ट ए कॉमन ओरिजिन। क्या मतलब है इसका? कॉपर मिले हैं ओमान से, जो कॉपर मिले हैं उसमें निकेल की मात्रा होती है, और हरप्पन ने जो कॉपर टूल्स बनाए हैं उसमें निकेल मिला है, इसके मतलब क्या है कि जरूर वो लोग ओमान से दे होंगे। ठीक है, देर आर सिमिलरिटीज बिटवीन सर्टेन अदर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाउंड एट दिस साइट। ए हरप्पन जार कोटेड विथ ए थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले हैज फाउंड इन ओमान। इसका मतलब क्या है कि हो ना हो ओमान से लोग कॉपर लेते होंगे, और उसके बदले में लोग उनको ब्लैक क्ले का जार एक्सचेंज करते होंगे बार्टर सिस्टम के थ्रू। ओके, मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर्स टू कॉन्टेक्ट विथ रीजन्स नेम्ड दिलमुन, प्रोबली द आइलैंड ऑफ बहराइन, मगन यानी कि ओमान, एंड मेलुहा पॉसिबली द हरप्पन। इसके बारे में हम लोग मैप में अभी जाकर आपको दिखाते हैं। ये हो गया हरप्पन जो एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं मेलुहा। ओके, ओमान इसका नाम क्या नाम रखा है ओमान का? मगन। और बहराइन जो है, देखो यहाँ बहराइन है, उस बहराइन को हमने कहा है दिलमुन। ठीक है, और ये सारा जो चीज़ें इंफॉर्मेशन मिली है वो कहाँ से मिली है? तो इराक से मिली है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोपोटामिया। आपको मैप में दिखा दें फिर से, ये देखो। तो ये मेलुहा हो गया यानी कि इंडिया, ये मगन हो गया यानी कि ओमान, ये दिलमुन हो गया इसका मतलब हो गया बहराइन, और मेसोपोटामियन टेक्स्ट से ये सारा इन्फॉर्मेशन मिला है। करके एक प्रसिद्ध राजा हैं सम्राट सरगोन, लगभग 2350 BC का एक राजा मिला है, और उन्होंने ये दावा किया है कि उनके एरिया में आके दिलमुन, मगन और मेलुहा के जहाज रुकते थे। इससे क्या पता चलता है कि हो ना हो इनका आपस में ट्रेड रिलेशन था। मेसोपोटामिया एक में एक और टेक्स्ट, रिटर्न टेक्स्ट मिला है, और उसमें ये उल्लेख किया गया है कि मेसोपोटामिया में एक हरप्पन द्विभाषिया मिला है। इसका मतलब क्या है कि मेसोपोटामिया का ऐसा व्यक्ति जिसको हरप्पन लैंग्वेज भी आता था उसका जिक्र है। इसका क्या मतलब है कि आपस में इनके बीच ट्रेड रिलेशन होता था, बहुत अच्छे से होता था। सील्स एंड सीलिंग्स। अब देखो जो इंटरनेशनल ट्रेड जो हो रहा है, उस इंटरनेशनल ट्रेड में जो एक विश्वास कायम करने वाला चीज़ है वो है सील्स एंड सीलिंग्स। जो अगर हम लोग CBSE को आजकल कोई लेटर भेजते हैं, कोई लेटर पोस्ट करते हैं, तो उस पर लाख का लेबल लगा के उस पर सील लगा के भेज देते हैं, ठीक है ना। उस तरह से उस समय भी सील्स और सीलिंग यूज होता था। व्हेन ए बैग ऑफ गुड्स वॉज सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट्स माउथ वॉज टाइट विथ ए रॉप। पहले क्या करेंगे उसको, जैसे मान लो एक बोरा में भर के भेज रहे हैं, तो उसका मुंह को हम लोग पहले क्या करते हैं, बांध देते हैं धागे से। ऑन द नोट वॉज एफिक्स सम वेट क्ले ऑन विच वन और मोर सील्स वेयर प्रेस्ड लिविंग एंड इम्प्रेशन। ओके, अब हम लोग उसमें क्या करेंगे,
इफ द बैग रीच विथ इट्स सीलिंग इंटैक्ट इट मीन दैट इट हैड नॉट बीन टेम्पर्ड विथ। अगर सील ठीक ठाक है, उसमें जो लिखा गया है उसको कोई तोड़ा नहीं गया, क्योंकि एक बार आप धागा खोल लोगे तो सील तो टूट जाएगा। अगर सही सलामत पहुंचा है तो सोचेंगे कि वो टेम्पर्ड नहीं किया गया, उसको छेड़छाड़ नहीं किया गया। द सीलिंग एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। तो इस तरह से सील्स एंड सीलिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है डिस्टेंस कम्युनिकेशन में। ओके, हरप्पन सील्स का करेक्टरिस्टिक देखते हैं अभी हम लोग। हरप्पन सील्स यूजली है ए लाइन ऑफ राइटिंग, सिर्फ एक लाइन का राइटिंग हमको हरप्पन सील से मिला है। सील्स हैड द नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर। सील में क्या मिलेगा, सिर्फ आपको नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर मिलेगा। द सील हैड ए मोटिफ, मेन थीम, जनरली एन एनिमल विच कन्वेड ए मीनिंग टू दोज हु कुड नॉट रीड। ओके, अब सील में जो लिखा गया उसके साथ साथ अगर मान लो किसी को पढ़ने नहीं आता है तो उसके लिए एनिमल का यूज किया गया है, लेकिन क्या है देखो, द स्क्रिप्ट वॉज नॉट अल्फाबेटिकल एंड रिटन राइट टू लेफ्ट। ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट सोच रहे हैं कि स्क्रिप्ट पढ़ा तो नहीं गया है, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि वो राइट से लेफ्ट किया लिखा गया है। ऐसा कैसे, क्योंकि राइट में बहुत ज़्यादा जगह बच गया है। जब हम लोग सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं तो स्टार्ट में तो जगह बच जाएगा, लेकिन मान लो उस लाइन में आते आते वन लाइनर लिखते थे तो मान लो एडजस्ट नहीं हो रहा है तो वहाँ थोड़ा छोटा छोटा कर देंगे, तो जगह वहाँ लेफ्ट साइड में कम हो गया। तो इसलिए हम लोग आइडिया लगाते हैं कि हो सकता है वो लोग राइट से लेफ्ट लिखते होंगे, लेकिन इतना क्लियर है कि वो अल्फाबेटिकल नहीं था। और मेनी साइंस वेर यूज एंड दे आर फाउंड 375 एंड 400 इन नंबर्स, और लगभग 375 से 400 नंबर्स में यूज़ किए गए हैं। और यही कारण है शायद कि हम लोग आज तक उस स्क्रिप्ट को डेसीफर नहीं कर पाए। अगर अल्फाबेटिकल होता तो हम लोग अभी तक उसको डेसीफर कर लेते। इन 375 टू 400 जो नंबर्स हैं उसको समझना, उसको समझने की कोशिश जारी है, और हो सकता है आपका जनरेशन उस खोज के निकाल ले और एक नया हिस्ट्री बना डाले। वेट्स, अगर मान लो एक्सचेंज होता होगा तो एक्सचेंज करने के लिए वेट्स की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। एक्सचेंजर्स वेर रेगुलेटेड बाय प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स यूजली मेड ऑफ ए स्टोन कॉल्ड चट। और वेट करने के लिए जो चीज़ यूज होता था उसको हम लोग बोलते हैं चट। चट क्या है, एक काइंड ऑफ स्टोन जनरली क्यूबिक विथ नो मार्किंग। क्यूब के आकार का होगा जिसमें कोई कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा, उसका वो लोग यूज में यूज करते थे। अब देखो ये जो वेट्स हैं वो दो तरह के हैं, कौन कौन से देखो। लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स वेयर बाइनरी 1, 2, 4, 8, 16, 32 एक्सेट्रा, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी में। और दूसरा जो है हायर डोमिनेशन फॉलोड द डेसिमल सिस्टम। अब देखो क्या है, लोअर डिनोमिनेशन मतलब सोना चांदी को जो छोटा चीज़ है उसको वजन करना है तो लोअर डिनोमिनेशन, और हायर डिनोमिनेशन जो भारी है जो ज़्यादा वजन का है उसको वजन करने के लिए डेसिमल सिस्टम यूज़ किया गया था। आपको आश्चर्य हुआ या नहीं, मैं बताइए पहले, आश्चर्य हुआ।